दोस्तों मैं इस्माइल खान, आज के इस वीडियो में किसी फ्रिज में अगर इलेक्ट्रिक शॉक आता हो तो ये किस किस जगह से आता है, इसको आज हम समझेंगे। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये हमारी वो फ्रिज है जिसको हम पूरी तरह से चेक करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ कहाँ से आता है। आइए सबसे पहले फ्रिज के अंदर देखते हैं वो पार्ट्स जहाँ से इलेक्ट्रिक के लीकेज होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। ये थर्मोस्टेट है और ये इसका थर्मल बल्ब है जो फ्रीज़र से बिल्कुल टच करके रहता है। अगर थर्मोस्टेट में है प्रॉब्लम या डोर स्विच में प्रॉब्लम है तो यहाँ से चूंकि कांटेक्ट सट सकता है वायर, इसलिए करंट आने की चांस होती है। और पीछे की तरफ जैसा कि हम देखते हैं कंप्रेशर के लिए एक रिले और एक ओवरलोड लगा रहता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर और रिले, यही दो पार्ट है जो बाहर नॉर्मल फ्रिज में लगा होता है। और इसका जो कंप्रेशर है उसकी मोटर है, अगर हमारी मोटर किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम से ओवरहीट कर जाती है तो ये भी अर्थ करने लगता है, जिससे पूरे फ्रिज की बॉडी में करंट आता है। अंदर की तरफ थर्मोस्टेट है जिसको खोलने के लिए सबसे पहले इसका जो चार स्क्रू है इस पैनल को खोलने के लिए उसे खोलेंगे ताकि हम ये दिखा सकें आपको कि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक किस किस जगह से आ सकता है, अगर आता है तो क्यों आता, उसे किस तरह से हम चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसके पैनल को हम निकाल लेते हैं, बहुत ही केयरफुली निकालते हैं इसको। ये पैनल हमारा बाहर आ गया और इसमें ये देखिए थर्मोस्टेट है जिसमें एक सप्लाई आती है और दूसरी सप्लाई इसके दूसरे पॉइंट से निकल जाती है। हम इसके टर्मिनल को पहले वायर यहाँ से हटा लेते हैं दोनों टर्मिनल से, फिर इसकी कंटिन्यूटी और इसके अर्थिंग को चेक करेंगे। और ये थर्मल बल्ब भी यहाँ से निकाल लेते हैं। इसकी अर्थिंग और कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम एक कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये कंटिन्यूटी टेस्टर है। सबसे पहले हम इसके दोनों टर्मिनल के बीच देखेंगे कंटिन्यूटी है कि नहीं, तो ये बिल्कुल सही बता रहा है, ये वर्किंग कंडीशन में। अब एक टर्मिनल पर और एक थर्मल बल्ब पर रखेंगे, अगर ये बता दे यहाँ पे कंटिन्यूटी, इसका मतलब इसमें अर्थिंग है। देखिए ये बॉडी से बता रहा है, बॉडी और थर्मल बल्ब चूँकि एक साथ अटैच है इसलिए बताएगा, लेकिन टर्मिनल से ये नहीं बता रहा। देखिए बॉडी टू बॉडी बता रहा पर किसी भी टर्मिनल के साथ ये नहीं बता रहा, इसका मतलब ये थर्मोस्टेट बिल्कुल ओके है और इससे करंट के लीकेज होने की कोई चांस नहीं है, इसलिए इसे कनेक्ट कर देते हैं। वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद ये डोर स्विच है, इसके जो टर्मिनल होते हैं अगर ये ठीक से इंसुलेटेड नहीं है तो पीछे बॉडी पे ये टच करता है कभी कभी, इस वजह से बॉडी में करंट हमको शॉक लगता है। लेकिन यहाँ पर ये भी अच्छी तरह से इंसुलेटेड है इसलिए इसे भी हम अपनी जगह फिट कर देते हैं। और ये वर्किंग कंडीशन में अच्छा है। जब ये अंदर के दोनों पार्ट्स हमारे सही हैं तो इस पैनल को हम अपनी जगह फिर से वापस कस देंगे। ध्यान रखेंगे कि ये इसके जो भी जगह होती है जो क्लैंप है उसे देख लेंगे ऊपर से, और क्लैंप में ये प्रॉपरली अगर बैठ जाता है तो फिर इसके स्क्रू भी अपनी जगह मैच कर जाते हैं और उसे आसानी से हम कस देते हैं। चार स्क्रू पे हैं, दो नीचे की तरफ साइड में और दो ऊपर की तरफ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की अगर कंटिन्यूटी हम चेक कर लेते हैं, उसकी अर्थिंग चेक कर लेते हैं और हमको कहीं से भी अर्थिंग ना मिले, इसके बावजूद अगर फ्रिज में हमें इलेक्ट्रिक शॉक की प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वायरिंग के वायर हैं उनका इंसुलेशन हट गया होगा। अक्सर कट जाते हैं पुराने होके, तो फिर हम वायरिंग के सभी वायर को प्रॉपरली चेक करेंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये इसमें इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ से आ रहा है। पैनल आप देख रहे हैं इसको फिट कर लिया और थर्मल बल्ब को भी अपनी जगह फ्रीज़र के साथ टच करके रख दिया गया है। अब यहाँ बाहर की तरफ ओवरलोड और रिले को हम निकाल लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर चांस इलेक्ट्रिक शॉक लगने के इसी जगह से होते हैं। हमारी कंप्रेशर के ये मोटर के तीन टर्मिनल हैं कॉमन स्टार्ट रन। सबसे पहले इनकी कंटिन्यूटी चेक की जाएगी और इसे बॉडी से ग्राउंड इसका चेक किया जाएगा, अर्थिंग चेक किया जाएगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं तीन टर्मिनल है, सभी फ्रिज में तीन टर्मिनल होते हैं कॉमन स्टार्ट रन
और इन सभी फ्रिज को इसी तरह से चेक किया जाएगा जैसा कि इसको अभी बता रहे हैं। ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है, इसके तीनों टर्मिनल को बारी बारी से हम देख लेंगे, इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए और ये है, इसका मतलब ये मोटर हमारी सही है। अब ये हम बॉडी टू बॉडी टच कर रहे हैं इसको, लेकिन ये बताया नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर रस्ट वगैरह है। सबसे पहले एक या दो जगह हम रिगमाल या फाइल से इसको थोड़ा रगड़ लेते हैं ताकि ये बॉडी टू बॉडी हमें ये बता रहा है। अब इन दोनों में से किसी एक जगह रखेंगे और मोटर के टर्मिनल पे रखेंगे बारी बारी से। अगर हमारी मोटर अर्थ होगी यानी इसमें करंट आ रहा होगा, लीक कर रहा होगा, तो ये कंटिन्यूटी बताएगा, लेकिन ये नहीं बता रहा, इसका मतलब हमारी ये मोटर बिल्कुल सही है। और यही प्रोसेस हम सारी फ्रिज के साथ करेंगे, जितनी भी हमारी, चाहे वो डबल डोर की हो या नॉर्मल फ्रिज हो। अब चूंकि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, कहीं से कोई लीकेज नहीं है, इसलिए ओवरलोड और रिले को अपनी जगह पर लगा देंगे। ये अच्छी तरह से लग गया है। इसके बाद हम इसे स्टार्ट करके भी देख लेंगे और हाथ से छू के देखेंगे इलेक्ट्रिक शॉक आता है कि नहीं। ये प्लग हमने लगा दिया सप्लाई में और ये हमारा क्लैंप मीटर जिसे एम्पियर पर सेट कर लेंगे, और जो सप्लाई ओवरलोड में जा रही या रिले में, कोशिश करते हैं कि ओवरलोड वाले में ही इसको लगा लें। और इसे हम जैसे ही ऑन करेंगे, ये देखिए नॉर्मल एम्पियर 0.4 एम्पियर लेके ये चल रही है, इसका मतलब फ्रिज हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही है। फ्रिज के चलने के बाद इसकी बॉडी को टच करके देखते हैं, कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।